Next C program, how to convert in given string into equivalent lowercase format. Previous session में just provide क्या किया था? Uppercase operation इस case में perform क्या कराना है? Converting given string into equivalent uppercase letter. लेकिन याद रखना इस case में string के अंदर केवल आप uppercase के लिए operation से apply नहीं कर सकते. सबसे पहले string के अंदर check करो given character अगर already lower के uppercase format में, then only आपको conversion करने की जरूरत है. Otherwise हो सकता है किसी particular position में digits available हैं, special symbols available हैं या already lowercase available हैं. उस case में आपको कोई processing करने need है क्या? नहीं. जैसे इस program को already provide कर चुका हूँ. अगर आपने previous session में lower uppercase function नहीं देखा, पहले आप uppercase वाला वीडियो वॉच करना, देन इसको कंटिन्यू करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा. इस केस में डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूं. क्लियर? नेक्स्ट वन, इस केस में अगेन रिटर्न टाइप यूज करें. इस फंक्शन से रिटर्न क्या हुआ? एड्रेस ऑफ सेम स्ट्रिंग, इसलिए रिटर्न टाइप यूज करोगे कैर स्टार. क्यों इसे रिटर्न किया हुआ? अगेन स्ट्रिंग. फंक्शन नेम है लोअर. इक्विवेलेंट ऑलरेडी सी फंक्शन अवेलेबल है टू लोअर. देन आर्गुमेंट में पास क्या करोगे? स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में आप पॉइंटर भी डिक्लेयर कर सकते हो और एरे डिक्लेरेशन. दोनों की मीनिंग कैसे हैं? सेम, क्योंकि एरे डिक्लेरेशन भी इंटरनली कन्वर्ट किस फॉर्मेट में होगा? इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर डिक्लेरेशन. देन अगेन आपको लूप मैनेज करने की जरूरत होगी, तो इस केस में सिंपली क्रिएट क्या करेंगे? इटरेटिव वेरिएबल आई. लूप स्टार्ट करो फ्रॉम आई इक्वल्स टू जीरो प्लस. स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कब तक करो? जब तक स्ट्रिंग के अंदर नल फाउंड नहीं होता. तो आप सिंपली यूज क्या कर सकते हो? ए ऑफ आई सफिशियंट या फिर सिंपली कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हो नॉट इक्वल्स टू नल. बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग्स. प्लस इंडेक्सेस में डिफरेंस कितने का क्रिएट हुआ? ऑलवेज वन का, इसलिए प्रोवाइड क्या करेंगे? आई प्लस प्लस. नेक्स्ट वन, इस केस में जस्ट स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर रिप्रेजेंट किससे हुए? ए ऑफ आई से. अगर आप ऑपरेशन कैरेक्टर्स के लिए अप्लाई करें तो ऑपरेशन किसके रिस्पेक्ट में अप्लाई करेंगे? ए ऑफ आई. ए ऑफ आई जस्ट रिप्रेजेंट क्या करेगा? कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, मीन्स ऑल कैरेक्टर्स वन बाई वन. तो इस केस में सबसे पहले कन्वर्जन परफॉर्म न करके जैसे ही लूप इटरेट होगा तो सबसे पहले टेस्ट करोगे अगर ए ऑफ आई ऑलरेडी मीन्स ए ऑफ आई अगर अपर केस में, देन ओनली आपको कन्वर्जन परफॉर्म करनी है, प्रोसेसिंग करने की नीड है. मीन्स इस केस में जस्ट लॉजिक क्या चेक करना है? चेक द गिविन कैरेक्टर इज अपर केस और नॉट. तो चेक द गिविन कैरेक्टर अपर केस के लिए जस्ट कंडीशन क्या होता है? इफ कैरेक्टर कौन है इस केस में? ए ऑफ आई. इफ आस्की वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल ए एंड आस्की वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल्स टू कैपिटल जेड. अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था, इसका मतलब क्या है? मीन्स ए ऑफ आई करेंटली होल्ड क्या कर रहा है? अपर केस कैरेक्टर. अपर केस है देन इसको लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट यूज क्या करें? अपर केस और लोअर केस के आस्की वैल्यूज में जस्ट डिफरेंस कितने का होता है? 32 का. तो इस केस में यूज क्या करेंगे? मीन्स लोअर केसेस के केस बात करें ए बी सी डी, इसके आस्की वैल्यूज क्या है? 97 98 99 एंड 122 मीन्स जेड. सेम एज कैपिटल ए की बात करें तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंड जेड. इस केस में आस्की वैल्यू क्या है? 65 66 67 एंड 90. तो फाइनली आप कोई भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कराओ डिफरेंस कितने का जनरेट होगा? एग्जैक्टली 32. मीन्स यहाँ ऑपरेशन किसके लिए अप्लाई हो रहा है? लोअर के अपर केस कैरेक्टर्स के लिए. अपर केस को अगर आप 32 से सब ऐड कराओगे देन इससे जस्ट आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा? इक्विवेलेंट लोअर केस कैरेक्टर. फॉर एग्जाम्पल स्मॉल ए, स्मॉल ए का आस्की वैल्यू क्या है? ए प्लस 32. इस ऑपरेशन से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? ए के प्लेस पर क्या आएगा? 65. 65 प्लस 32 इज 97 विच इज इक्वलेंट टू स्मॉल ए. तो जस्ट ऑपरेशन अप्लाई करोगे ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ आई प्लस 32 देन क्लोज दिस लूप. रिटर्न, रिटर्न क्या कराओगे? सेम स्ट्रिंग. और स्ट्रिंग का एड्रेस किसके पास है? ए के पास, इसलिए रिटर्न में क्या पास करें? जस्ट ए. दिस इज द लॉजिक्स ऑफ कन्वर्टिंग गिवन स्ट्रिंग इंटू लोअर केस फॉर्मेट. जस्ट इसके लिए अगेन मैं टेस्ट करने के लिए मेन फंक्शन क्रिएट करूँ प्लस इसका एग्जीक्यूशन आपको ड्रॉ करके देता हूँ. वाइड मैन, मैन के अंदर जस्ट मैं स्मॉल स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ. कैर एस इक्वल्स टू कैपिटल ए बी सी देन एट द रेट स्मॉल एक्स एंड एक्स वन. नेक्स्ट में कन्वर्जन करने के लिए जस्ट प्रोवाइड क्या कराएंगे? सम फंक्शन. इस केस में फंक्शन डायरेक्टली प्रिंट एफ के अंदर पास कर रहा हूँ, इससे आपको इसका बिहेवियर समझ में आएगा.
परसेंट एस फंक्शन कौन सा कॉल कराना है इस केस में, यूजर डिफाइंड फंक्शन इज लोअर प्लस इस लोअर फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट में क्या पास करोगे, या तो स्ट्रिंग। सपोज दैट मैं इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर लोअर केस में कन्वर्ट नहीं कराना चाहता हूँ, ओनली मुझे कन्वर्ट कहाँ से कराना, फ्रॉम पोजिशन ऑफ बी ऑनवर्ड्स। तो इस केस में बी का पोजिशन क्या हुआ, एस प्लस वन। देन इसके जस्ट बाद जब मैं ओरिजिनल स्ट्रिंग डिस्प्ले कराऊंगा, अगेन प्रिंट एफ परसेंट एस देन स्ट्रिंग एस, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन कोड। मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें, तो मेन के अंदर एक स्ट्रिंग क्रिएट होगा, इसे स्ट्रिंग के अंदर टोटल कैरेक्टर्स कितने, सेवन कैरेक्टर्स। तो सेवन कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में जस्ट मेमोरी स्पेस एलोकेट करेंगे, कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, टोटल सेवन बाइट्स। एड्रेस इज 100 101 2 3 4 5 and 6। करंटली इसे एरे का नेम क्या है, सॉरी नेम क्या है इस केस में, एस। इस लोकेशन का अदर नेम क्या क्रिएट होगा, स्टार 100 स्टार 101 102। इसे जस्ट नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ प्रीवियस प्रॉपर्टी ऑफ द पॉइंटर्स, क्यों स्टार ऑलवेज अप्लाई किसके लिए होता है, एड्रेस के लिए। जब भी किसी एड्रेस के लिए स्टार ऑपरेटर अप्लाई करोगे, हमेशा रिटर्न क्या करेगा, वैल्यू ऑफ दैट पोजिशन और दैट एड्रेस। आसान क्या किया, कैरेक्टर ए कैपिटल बी कैपिटल सी देन एट द रेट सिंबल देन स्मॉल एक्स एंड डिजिट वन, क्लियर। नेक्स्ट वन, इस केस में पास क्या किया एस प्लस वन, एस से क्या रिप्लेस हुआ, बेस एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग मीन्स विच इज 100, 100 प्लस वन बिकम्स 101। तो फाइंड इस लोअर फंक्शन में पास क्या हो रहा है, एड्रेस एस 101। 101 के रिस्पेक्ट में जैसे ही लोअर फंक्शन कॉल होगा, तो लोअर के अंदर एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट होगा ए एंड इटरेटिव वेरिएबल आई। तो फाइनली कितने वेरिएबल्स क्रिएट होंगे इस केस में, टू वेरिएबल्स ए एंड वेरिएबल आई। ए के रिस्पेक्ट में पास क्या किया, 101। तो इस केस में पोजीशंस क्या क्रिएट होंगे, ए जीरो ए वन ए टू लाइक दैट, क्योंकि पॉइंटर के थ्रू भी स्ट्रिंग सेम मैनर में एक्सेस करना पॉसिबल है। लेकिन यार ए जीरो किस लोकेशन का नेम हुआ, जस्ट इसको चेकआउट करते हैं। ए जीरो का पॉइंटर कन्वर्जन क्या हुआ, स्टार ए प्लस जीरो, और ए में क्या स्टोर है, 101, 101 प्लस जीरो इज स्टार 101। तो ए जीरो किस लोकेशन का नेम हुआ, स्टार 101 का, इस लोकेशन का नेम क्या, ए ऑफ जीरो। इसलिए ऑपरेशन भी किस प्लेस से स्टार्ट हो, फ्रॉम दैट पोजिशन ऑनवर्ड्स, मीन इसके में कैपिटल ए के लिए कोई भी कन्वर्जन परफॉर्म नहीं हो सकता। मैच नेक्स्ट लोकेशन क्या, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, मीन से स्ट्रिंग के केसेस में आपको जिस प्लेस के लिए आपको ऑपरेशंस परफॉर्म कराना, सेम प्लेस का एड्रेस परफॉर्म कराओ, लास्ट प्लेस पर क्या, जस्ट कैरेक्टर नल। नेक्स्ट वन, लूप के रिस्पेक्ट में सबसे पहले परफॉर्म क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन इन आई, आई बिकम्स जीरो, देन कंडीशन टेस्टिंग ए ऑफ वन। कंडीशन में जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में प्रोवाइड करूँ, कंडीशन क्या प्रोवाइड किया इसके अंदर, ए ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू नल, नल मीन्स जीरो। ए ऑफ आई के केस में आई का करंट वैल्यू क्या है, जीरो, नॉट इक्वल्स टू जीरो। मीन्स ए ऑफ जीरो में करंट वैल्यू क्या है, बी, और बी का आस्की वैल्यू क्या है, 66। तो यहाँ बी का कंपेरिजन किससे होगा, जीरो से, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है देन बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हो, तो बॉडी के अंदर ए ऑफ जीरो मीन्स ए ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या है, जीरो, ए ऑफ जीरो का कंपेरिजन किससे होगा, ए ऑफ जीरो में क्या है, कैपिटल ए, सॉरी कैपिटल बी। तो कैपिटल बी कंपेयर किससे होगा, आस्की वैल्यू ऑफ कैपिटल ए, कैपिटल बी का आस्की वैल्यू क्या है, 66, ए का आस्की वैल्यू क्या है, 65। कंडीशन इज ट्रू, देन सेकंड कंडीशन टेस्ट होगा एंड के केस में, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो सेकंड कंडीशन में अगेन ए ऑफ आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, बी लेस देन इक्वल्स टू जेड, ए ऑफ आई का वैल्यू क्या है, 66, जेड का आस्की वैल्यू क्या है, 90। देन दोनों ही कंडीशन कैसे ट्रू, ट्रू है देन इस केस में परफॉर्म क्या हुआ, कन्वर्जन, इसे ए ऑफ जीरो में न्यू वैल्यू क्या आसान हो जाएगा, एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ ए ऑफ जीरो विच इज बी प्लस 32, मीन्स बी का आस्की वैल्यू क्या, 66 प्लस 32 इज 98 किसके इक्विवेलेंट, इट इज इक्विवेलेंट टू स्मॉल बी। तो फाइनली इस प्लेस पर आसान क्या हो जाएगा, कैरेक्टर एज स्मॉल बी, ये दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशंस। नेक्स्ट वन, सॉरी ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ आई प्लस 32। नेक्स्ट टाइम इसके जस्ट बाद
कंट्रोल कहाँ सेंड होगा, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस के अकॉर्डिंग आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। तो नेक्स्ट टाइम सेम कंडीशन किसके लिए टेस्ट होगा, ए ऑफ वन के लिए। ए ऑफ वन में क्या है, ए ऑफ वन मीन्स दैट प्लेस स्टार 102 क्या है, सी। सी नॉट इक्वल्स टू नल कंडीशन ट्रू, देन अगेन इस कंडीशन को टेस्ट करेंगे, सी का आस्की वैल्यू कैसा है, ग्रेटर देन ए फर्स्ट कंडीशन ट्रू, देन सी का आस्की वैल्यू कैसा है, लेस देन जेड अगेन सेकेंड कंडीशन ट्रू। तो फिर से कन्वर्जन परफॉर्म हुआ, कन्वर्जन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टाइम असाइनमेंट किस प्लेस पर होगा, ए ऑफ वन में, और ए ऑफ वन का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है, कैपिटल सी प्लस 32। तो इससे जो नेक्स्ट आस्क वैल्यू आएगा वो आस्क वैल्यू किसका होगा, स्मॉल सी का। तो ए ऑफ वन इंडेक्स ए ऑफ वन में आसान क्या हो जाएगा, स्मॉल सी, क्लियर। देन नेक्स्ट टाइम आई में प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। तो नेक्स्ट ऑपरेशन अगेन किसके लिए परफॉर्म कराओगे, ए ऑफ टू के लिए। ए ऑफ टू के रिस्पेक्ट में कंडीशन टेस्ट करें तो ए ऑफ टू में करेंटली कैरेक्टर क्या है, एट द रेट। अगेन एट द रेट का आस्की वैल्यू नल के इक्विवेलेंट है क्या, नहीं, क्लियर, क्योंकि सभी कैरेक्टर का आस्की वैल्यू कैसा है, यूनिक। कंडीशन टू, कंडीशन टू देन फिर से सेम ऑपरेशन टेस्ट करोगे, इस बार कंडीशन किसके लिए टेस्ट होगा, एट द रेट। इस फर्स्ट कंडीशन हो सकता है टू मीन्स एट द रेट का आस्की वैल्यू क्या है, समथिंग 32 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मीन्स इस रेंज को ये सेटिस्फाई नहीं करे, मीन्स कंडीशन क्या हो जाएगा इस केस में, फॉल्स, फॉल्स होने के केस में। देन बॉडी पार्ट एक जुड़ू हुआ क्या, नहीं, मीन्स कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए ऑफ थ्री। नेक्स्ट टाइम ए ऑफ थ्री के लिए कंडीशन टेस्ट होगा फुल लूप में, ए ऑफ थ्री में क्या है, एक्स, एक्स का आस्की वैल्यू क्या है, 90, सॉरी एक्स का आस्की वैल्यू क्या है, 120, और 120 ए से तो बड़ा, मीन्स फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, लेकिन 120 90 से छोटा, मीन्स कैपिटल जेड से छोटा है, तो इस केस में कंडीशन फॉल्स हो जाए, फॉल्स हो जाए तो फिर से इफ का बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगेन आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। नेक्स्ट टाइम कंपेरिजन किसके लिए, 1 के लिए, तो 1 के लिए 4 का कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन इफ कंडीशन कैसा होगा, फॉल्स, क्योंकि 1 का आस्की वैल्यू क्या होता है, जस्ट 49 ए से बड़ा है क्या, नहीं, देन कंडीशन फॉल्स, फॉल्स है। देन नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। चेकिंग किसके लिए, नल के लिए, नल के मीन्स इस केस में वाइल कंडीशन में, मीन्स इस केस में कंडीशन किसका फॉल्स होगा, कंडीशन ऑफ फॉर लूप, क्योंकि ए ऑफ आई का वैल्यू क्या, नल, नल मीन्स 0, 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन एकदम फॉल्स। रिटर्न क्या हो जाएगा, ए, ए के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, बेस एड्रेस, जो एड्रेस पास किया था 101, 101 रिटर्न कहाँ होगा, इट्स कॉलिंग प्लेस, फाइनली इस कॉलिंग प्लेस पर रिप्लेस क्या होगा, 101। अगर 101 पास किया तो प्रिंट एफ फंक्शन डेटा किस प्लेस से डिस्प्ले करना स्टार्ट करेगा, फ्रॉम 101 ऑनवर्ड्स, और 101 ऑनवर्ड्स कैरेक्टर्स क्या फाउंड हो रहे हैं, स्मॉल बी स्मॉल सी एट द रेट एक्स वन। नेक्स्ट प्रिंट एफ क्या पास किया, एस, और एस के प्लेस पर क्या होगा, 100, इस एस मीन्स इस स्ट्रिंग का एड्रेस, 100 के रिस्पेक्ट में प्रिंट क्या हुआ, ए, द रिमेनिंग कैरेक्टर्स क्या है, स्मॉल बी स्मॉल सी एट द रेट एक्स वन, क्लियर। दिस इज द बिहेवियर ऑफ लोअर केस कन्वर्जन।